प्रिय छात्रों, श्रम साधना इस वैचारिक निबंध में श्री कृष्णदास जाजू जी ने हमें ये सलाह दी है कि जो समाज में धनी के अमीर लोग हैं, वो अपने आवश्यकता से जो ज़्यादा संपत्ति है उसका समाज हित में प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पे वो अपने आवश्यकता से ज़्यादा जो संपत्ति है उसका पाठशाला बनाने, अस्पताल बनाने या अनाथ आश्रम में दान कर समाज हित के कार्य करें। जैसे कि अनेक धनी क्या संपत्ति जिनके पास ज़्यादा है, वैसे लोग जैसे रतन टाटा, अंबानी, अडानी, वो जिस प्रकार सामाजिक कार्य में अपनी संपत्ति का योगदान देते हैं, उसी प्रकार समाज में जो छोटे मोटे पूंजीपति है या धनिक लोग है, वो भी अपने संपत्ति समाज हित के लिए उपयोग में लाए। उसी प्रकार जाजू जी ने इस वैचारिक निबंध में ये भी सलाह दी है कि संपत्ति अगर समाज में फैली रहे तो सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर हो सकती है। आज के जमाने में देखा जाए तो किसी एक वर्ग में संपत्ति होने के कारण समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमता निर्माण हुई है, जिसमें समाज में अमीर और गरीब का भेद निर्माण हुआ है। अगर हमें ये सब गरीब और अमीर को आपस में एक जो प्यार होने के लिए हमें जो संपत्ति है वो संपत्ति समाज में फैली रहे, जिससे हम सहकार पद्धति से बड़े बड़े उद्योग धंधे निकाल कर अनेक लोगों को उसमें काम करने के अवसर प्रदान करें, जिसके कारण समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमता है वो अहिंसा, गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से कम हो, इस बारे में इस पाठ में श्री कृष्णदास जाजू जी ने हमें जानकारी दी है। उसी प्रकार हमें श्रम के प्रति प्रतिष्ठा समाज में रखनी चाहिए और उससे समाज हित हो सकता है, इसके बारे में भी जाजू जी ने हमें अवगत कराया है। धन्यवाद।